हेलो गाइस, बालाजी एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा वोकैबलरी पे। आज हम करने जा रहे हैं वोकैबलरी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, जो कि जितने भी आज मैंने वोकैब ली है सारी पंजाब के प्रीवियस ईयर से ली है। और ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा नाम है हरमन खुराना। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है वो हमारा वर्ड है रैथ। रैथ का क्या मतलब है? एक्सट्रीम एंगर, या सिनोनिम्स क्या है? रेज, फ्यूरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। और एंटोनिम्स का है इसके हैप्पीनेस और ह्यूमरस। अब सपोज जैसे रैथ है, ये तो एक मैंने देखा कि ये नेगेटिव वर्ड है, अगर मुझे पता है कि ये नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शंस जैसे आगे ए बी सी डी ऑप्शंस आगे, अब उसने पूछा कि इसका सिनोनिम्स बताओ। सिनोनिम अगर आपको नहीं पता, सपोज आपको इतना पता है कि यार इसका मतलब नेगेटिव होता है, तो इसका जैसे सिनोनिम्स आ गया, पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका सिनोनिम पूछा है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही होगा सिनोनिम। तो आप सीधा नेगेटिव वर्ड पे टिक कर दोगे, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या उसका मतलब है। तो ये एक ट्रिक हो जाती है जो आप MCQs में यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। वैसे तो आनी चाहिए, बट इतनी अगर नहीं है तो ये आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और दूसरा वर्ड आता है एडवर्सिटी, मतलब कि डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। तो बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में काफ़ी एडवर्स सिचुएशन चल रही है, तो हमारी लाइफ में एडवर्सिटी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मिसफॉर्चून और हार्डशिप। और एंटोनिम्स क्या होंगे? अच्छा वक्त, यानी कि गुड टाइम्स। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो गुड टाइम्स भी आते हैं। तो ये है इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। एलिसिट मीनिंग इवोक और ड्रॉ। सिनोनिम्स क्या है इसके? एड्यूस, इवोक, एक्सट्रैक्ट, डिराइव्ड और ऑब्टेन। एंटोनिम्स क्या है इसके? ओवरलुक और निग्लेक्ट। क्या है एंटोनिम्स? ओवरलुक और निग्लेक्ट। टेंटेटिव का क्या मतलब है? टेंटेटिव का मतलब है डिराइव, डिटरमाइंड बाय समथिंग एल्स और डिराइव्ड बाय समथिंग एल्स। तो सिनोनिम्स क्या है? कंडीशनल, और क्या है? डाउटफुल, और क्या है? अनसेटल्ड। एंटोनिम्स क्या है? इंडिपेंडेंट और अनकंडीशनल। और इसमें क्या हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आते हैं हमारे एग्जाम्स में कि ये जो इसकी शेड्यूलिंग है या जो आ जाता है कि शेड्यूल क्या होगा एग्जाम का, तो उसमें लिखा आता है कि टेंटेटिवली इन दिसंबर या कोई भी महीना। तो यह बोलते हैं कि यार हमें डाउटफुल है कि दिसंबर में हम, मतलब कि पूरे दिसंबर में करा सकते हैं नहीं है, करा सकते हैं, वो पक्का नहीं होता, वो डाउटफुल में ही आ जाता है कि हाँ कि हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? टेंटेटिवली। तो इससे आपको ये सिचुएशन से जो एग्ज़ाम्स के मतलब होती है, तो उससे आपको ये याद रख सकते हैं। सेल्डम, सेल्डम का मतलब कि नॉट वेरी ऑफन, मतलब कि फ्री इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है, अभी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा। तो इसका एक एंटोनिम्स तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंटली। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंटली और ऑफन। नॉट ऑफन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑफन। तो और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेयर एंड इरेगुलर। ठीक है, और उसका अगला वर्ड आता है सेज। सेज का क्या मतलब है? मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग डीप अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम्स क्या है? प्रूडेंट एंड सगेशियस, जो खुद में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है? अनवाइज, अनपरसेप्टिव और डम्ब। क्या है? अनवाइज, अनपरसेप्टिव एंड डम्ब। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो वर्ड आ रहे हैं हमारे, आ रहे हैं कनोजियर। कनोजियर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीट भी हो चुका है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पंजाब के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो हम कनोजियर का क्या मतलब है? कनोजियर का मतलब है पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। और सिनोनिम्स क्या है इसके? डिलेंटे,
प्रो और कॉग्नोसेंट, और एंटोनिम्स क्या है, एमेच्योर। यह डिलेंटे भी एक वर्ड है जो पंजाब के प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है, और प्रो जो वर्ड है आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंटोनिम्स में है एमेच्योर, जिसको नॉलेज है ही नहीं आर्ट्स के बारे में, और ये बेसिकली पेंटिंग वगैरह में या पॉटरी ऐसे आर्ट्स में ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड कनोसियर, ठीक है। और अगला वर्ड आ रहा है हमारा पिल्फर। पिल्फर का क्या मतलब है, टू टेक समथिंग विदाउट राइट एंड टू इंटेंट टू कीप इट, कुछ ले लेना और उसकी जो इंटेंशन है उसको रखने की हो, कुछ लेना बट रखने के लिए लेना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बूस्ट, फिल्च और हीस्ट। ये खुद में एक इम्पॉर्टेंट तीन वर्ड्स हैं, बूस्ट, फिल्च एंड हीस्ट। तो इसके बाद क्या है, एंटोनिम्स में क्या होंगे, बाय एंड बिस्टो। बिस्टो एक खुद में इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग टू एन इंजरी विद एन इंजरी। सपोज किसी ने आपको इंजर कर दिया है, मारा है, तो आपको उसको वैसे ही देना, मतलब जैसे बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उसका मतलब होता है रिट्रीब्यूशन, कि इंजरी से ही इंजरी का जवाब दिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पे बैक, रिटेलिएट, रिवेंज, वेंगेंस। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्लीमेंसी की दया दिखा दी, और लीनियंसी भी लीनियंट रहे, और पार्डन की माफ किया। तो ये खुद में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे वेगनेंस हो गया, और ये हो गया क्लीमेंसी हो गया, ये खुद में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज़ भी आ सकते हैं पेपर्स में। उसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ड है इनफर्नल। इनफर्नल का क्या मतलब है, इनफर्नल का मतलब है डिजर्विंग वन कंडेमशन, कंडेंशन और डिसप्लेजर। कि मतलब कि सिनोनिम्स क्या है इसके, ब्लास्टेड, ब्लेम्ड और ईवल। कि जो ये डिजर्व करता था, जो इसने कर्म किए थे, जो ये डिजर्व करता था उसको वैसा ही मिल गया, और उसको वैसा ही देना वापस, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या है, प्रेजवर्दी एंड मार्वलस। तो इनफर्नल बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, तभी इसके जो सिनोनिम्स सारे नेगेटिव हैं और एंटोनिम्स क्या हैं, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, ऑनरस। इसको क्या बोलते हैं, ऑनरस। इसको वनरस नहीं बोलना है, इसको बोलना है ऑनरस। क्या बोलना है, ऑनरस। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रोनंसिएशन जब तक ठीक नहीं करते ना, तब तक आपको वर्ड्स याद ही नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप जैसे प्रोनंसिए उसको कुछ और प्रोनाउंस करें तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। एक वर्ड, एक टाइप के, एक प्रोनंसिएशन के दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब एक को किसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, एक को किसी तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो आप अपनी प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान रखिए, तभी आपको वर्ड्स जो हैं क्लियर होंगे। ऑनरस पे आते हैं, इसका मीनिंग क्या है, नॉट इजली बॉर्न, डिफिकल्ट टू एंड्योर। सिनोनिम्स क्या है, बर्डनसम, हैवी, एक्सक्रुएटिंग। एंटोनिम्स क्या है, इजी, कंफर्टेबल एंड लाइट। ऑनरस का मतलब होता है जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई काम दे दिया हमने, तो काम आपको बड़ा ज़्यादा बर्डन लग रहा है उस काम का, तो उसको बोलते हैं ऑनरस। या वो काम हैवी या कुछ हैवी उठाने को दे दिया, तो उसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इजी, कंफर्टेबल, और उससे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो कंफर्टेबल और लाइट। और अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा रिस्पाइट, मीनिंग टेम्प्ररी रिलीफ और डिलेस। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो रहा है, जैसे पीरियड्स लग रहे हैं बच्चों के, उसके बाद ब्रेक मिल जाती है, पीरियड फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका होता है हमें टेम्प्ररी डिले मिला है हमारे पीरियड्स को, जितने भी बच्चों के लगते हैं। सिनोनिम्स क्या है, रिप्रीव, ब्रेक और अबेटमेंट। और जब ब्रेक नहीं मिलती तो उसको क्या बोलते हैं, कि काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़ते हैं, ओवर्ट। एक तो वर्ड होता है एवर्ट, जिसका होता है ए वी ई आर टी। क्या होते हैं उसके स्पेलिंग, ए वी ई आर टी, बट ये है ओवर्ट, ओ वी ई आर टी, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। और इसका मीनिंग क्या है, नॉट सीक्रेट और हिडन। सिनोनिम्स क्या है, ओपन,
बेयर फेस्ड एंड एक्सप्लिसिट, और एंटोनिम्स क्या है, कोवर्ट एंड इनविजिबल। ओवर्ट का मतलब बेसिकली होता है कि जो चीज़ आपने हाइड नहीं की, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, या फिर मैं ओपन हूँ सबसे, या कि मैं एक खुली किताब हूँ, ठीक है, ओ आई एम एन ओपन बुक। तो वो कुछ लोग, कुछ जो होते हैं वो हाइड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि वो बेयर फेस्ड होते हैं, कि जैसे दिल में है वैसे जुबान पे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो ओवर्ट हैं। और नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू का क्या मतलब होता है, एडमायरेबल क्वालिटी, जितनी भी आपकी एडमायरेबल क्वालिटीज होते हैं कि आपके वर्च्यूज हैं। और सिनोनिम्स क्या है इसके, मेरिट एंड मॉरल एक्सीलेंस। एंटोनिम्स क्या है, डिमेरिट, डिसवैल्यू एंड डेफिशिएंसी, मतलब आप में क्या क्या कमी और क्या क्या खूबियां हैं उसको बोलते हैं, जो एडमायरेबल है, अच्छी खूबियां जो हैं, तो वो उसको बोलते हैं वर्च्यू। आगे बढ़ते हैं, रिसेंट। रिसेंट का क्या मतलब होता है, कैंसल ऑफिशियली, कि हमने कुछ भी जो प्रोग्राम रखा था या कुछ भी मीटिंग रखी थी हमने ऑफिशियली कैंसिल कर दी है, तो उसको बोलते हैं रिसेंट। सिनोनिम्स, अबैंडन, अबॉर्ट एंड कॉल ऑफ, हमने कॉल ऑफ कर दी मीटिंग बट ऑफिशियली। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कॉन्टिन्यू या कीप। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है हमारा स्क्वीमिश, मीनिंग एक्सेसिवली फास्टीडियस एंड ईजिली डिस्गस्टेड, कि एक बंदा जो होता है कि जो ईजिली हम जिसको ऑफेंड नहीं कर सकते, जो स्क्रीमिश होता है उसको हम ईजिली ऑफेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंटी, ओवर नाइस एंड प्रिसी इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है, नॉट ऑफेंडेड। फाइन, आगे बढ़ते हैं, लिसम। लिसम बेसिकली एक एडजेक्टिव है, क्या है, लिसम एडजेक्टिव, मीनिंग क्या है इसका, फ्लेक्सिबल, मूविंग और बेंडिंग विद ईज, में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आराम से मूव और बेंड कर सकता है। सिनोनिम्स क्या है, एजाइल, लिथ, लिथे, निम्बल एंड ग्रेसफुल। एंटोनिम्स क्या है, ऑकवर्ड, क्लम्सी एंड अनग्रेसफुल। इसका जो तीन सिनोनिम है ये एजाइल, लिथे एंड निम्बल, ये काफ़ी खुद में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। अगले वर्ड पे आता है, अगला वर्ड है हमारा रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब क्या है, रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेज। अगर एक स्टेज बनाई गई है उस पे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे एक बंदा या स्पीकर बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं रोस्ट्रम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोडियम भी बोल देते हैं हम, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, पोडियम वर्ड बहुत यूज़ होता है। उसके बाद है डायस एंड पल्पिट, इसके ये सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं, अनरेज्ड या ग्राउंडेड, या तो रेज नहीं किया हुआ और या तो ग्राउंड पे है, तो उसका हो गया रोस्ट्रम का एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा टीडियम। टीडियम का क्या मतलब है, बीइंग बोर्ड, आप बहुत ही बोर हो चुके हो, तो उसका मतलब होता है टीडियम। सिनोनिम्स, बोर्डम, इन्यूई एंड टीडियसनेस। और ये जो वर्ड है इन्यूई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या है इसके, अम्यूजमेंट एंड कैप्टिवेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ऑटियर। अब इसमें ऑटियर है इसका प्रोनंसिएशन, इसमें एच जो है वो साइलेंट है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटियर। इसका मीनिंग क्या है, ओवर बियरिंग प्राइड एविडेंस्ड बाय अ सुपीरियर मैनर टुवर्ड्स इन्फीरियर्स, मतलब कि बहुत ही एरोगेंस शो करना अपने से छोटों के सामने, कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत उसमें प्राइड लेता हूँ, और दूसरों को नीचा दिखाना बेसिकली ऑटियर का मतलब होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एरोगेंस एंड ऑटीनेस। क्या है, एरोगेंस एंड ऑटीनेस। एंटोनिम्स क्या होंगे, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, मतलब कि आप सबको अपने जैसा काइंडनेस दिखा रहे हो, सबको इक्वल मान रहे हो। अगले वर्ड पे चलते हैं, कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है, रूड और रफ,
बहुत ही रूड, और उसके मटेरियल्स में यूज़ करते हैं तो बहुत ही रफ मटेरियल्स, जैसे कि हम ज्वार बाजरा, इनको हम कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं क्योंकि ये रफ इन टेक्सचर होती हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बॉडी बोरिश एंड क्रास क्रूड, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चेस्ट क्लीन एंड काइंड। उसके बाद वर्ड आता है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या आता है वर्ड, जील, मीनिंग लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सिनोनिम्स क्या है इसके, आर्डर डिवोशन डिलीजेंस, और एंटोनिम्स क्या है, एपैथी डिजीनेस एंड लेजीनेस। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें जो, जैसे हमने आर्मी बनानी है, ठीक है, हमें जो चाहिए लड़के चाहिए विद जील चाहिए, हमें जो लड़के चाहिए बहुत एनर्जी वाले होने, एंथुजियास्टिक होने चाहिए, एक कदम उनको आगे रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमें जील वाले लड़के चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस मतलब लैकिंग मनी और मटीरियलिस्टिक पोजेशन। हमारे पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, हम मनी में लैक करते हैं, हम पुअर हैं, ठीक है, या हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब पुअर भी नहीं कह सकते, उससे भी मतलब हम बेगरिश हालात में आ चुके हैं। तो सिनोनिम्स हैं बेगर्ड और डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट खुद में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स हैं रिच प्रॉस्पेरस एंड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट भी खुद में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ब्लीरी जो कि हमारा लास्ट वर्ड है, मीनिंग डिप्लीटेड इन स्ट्रेंथ एनर्जी एंड फ्रेशनेस, जो कि बिल्कुल ही हिम्मत ही हार जाए, स्ट्रेंथ में भी हो जाए, एनर्जी में भी डिप्लीट हो जाए, कम हो जाए, उसके पास फ्रेशनेस भी कम हो जाए, बिल्कुल ही सुस्त सा कह सकते हैं, सुस्त बोल सकते हैं आप इसको। सिनोनिम्स ओवर फिटिग्ड, फिटिग्ड हो गया, ओवर फिटिग्ड हो गया, सुस्त हो गया, एनफीबल एंड लेथार्जिक। एनफीबल एंड लेथार्जिक खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स क्या है, रिजुविनेटेड, भी बहुत सही, उसमें स्ट्रेंथ भी है, एनर्जी भी है, काफ़ी इंथुजियास्टिक है, रिजुविनेटेड है एंड काफ़ी एनर्जी है, तो एनर्जेटिक। जो हमारा अगला वर्ड है वो है बर्स्क। बर्स्क के स्पेलिंग है BURSQUE, बट इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है BURSK, बर्स्क बोला जाता है, बट इसके स्पेलिंग ये नहीं है, इसके स्पेलिंग है BURSQUE। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं, मतलब क्या है, अब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच, जब हम बहुत जल्दी जल्दी, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं कोई भी वर्ड्स, तो वो उसके किस में आते हैं, बर्स्क में, कि एब्रप्ट सिनोनिम्स में आ गया, कर्ट और ब्लंट, ठीक है, जो बिना सोचे समझे एकदम से बोल देते हैं। और एंटोनिम्स में क्या आ गया, पोलाइट एंड वर्बोस। अगला वर्ड करते हैं, अगला वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट का क्या मतलब है, अप्रोच इन एन अनवांटेड वे। अगर सपोज कोई बंदा है आपको अग्रेसिवली या कुछ भी आपको ढंग से नहीं बोलता है, तो वो बोल सकते हैं कि अकॉस्ट में वो आ जाता है, उसका अनवांटेड बिहेवियर। तो सिनोनिम्स में क्या आएगा, एग्रेसिव एंड फोमिंग, बहुत ही एग्रेसिवली आपको अप्रोच कर रहा है, वो आ जाएगा अकॉस्ट में। उसके एंटोनिम्स क्या आएंगे, प्लीज्ड एंड डिलाइटेड। तो अकॉस्ट एक नेगेटिव वर्ड हो गया, तो उसके जितने भी सिनोनिम्स होंगे सब नेगेटिव होंगे और एंटोनिम्स होंगे पॉजिटिव होंगे, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है शैग्रिन। ये जो इसमें CH है, इसको च नहीं बोलना है, इसको श बोलना है, तो बोलना है शैग्रिन। मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोकैब का। तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग है फ्रस्ट्रेटेड। आपने एक इमोटिकॉन देखा होगा, ऐसे ऐसे करके एक इमोटिकॉन होता है जो फ्रस्ट्रेशन शो करता है आपके व्हाट्सएप में और फेसबुक में, जो भी आपके कीबोर्ड में होते हैं, ये एक इमोटिकॉन होता है, तो आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड। तो सिनोनिम्स क्या है इसके, डिसमे एंड अनोयंस या अनोयड, अनोयड। एंटोनिम्स क्या है, रिस्पेक्टफुल, हैप्पी,
और हैप्पीनेस एंड डिलाइट और डिलाइटेड। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। सपोज एक कुछ बिल्डिंग्स हैं, ऊपर से मीटियोर आ रहा है, तो हम बोलेंगे द मीटियोर इज इम्पेंडिंग, कि हमारे इसको डिस्ट्रॉय करने आ रहा है बिल्डिंग्स को, तो मीटियोर इम्पेंडिंग है जो इज समथिंग इज अबाउट टू हैपन। यानी कि क्या हो गए सिनोनिम्स? एक तो हो गया फोर्थ कमिंग, पोर्टेंडिंग, होवरिंग, ये तीनों अपर खुद में ही वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और एंटोनिम्स में क्या आ गया? डिस्टेंट एंड रिमोट। रिमोट और डिस्टेंस मतलब दूर, दूर है चीज़ें। तो इम्पेंडिंग इज कमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, और डिस्टेंस है कि अभी बहुत दूर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का क्या मतलब है? शोइंग इन अप्रोप्रिएट लिविटी, मतलब शोइंग इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, किसी की तरफ इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने को बोलते हैं फ्लिपेंट। तो अगर आपका किसी की तरफ इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो मतलब कि आप उससे डिसरिस्पेक्टफुल हैं, चीकी हैं काफ़ी, और नॉन सीरियस है। मतलब ये अगर कोई आपसे कोई बात करने आया है और सीरियसली आपकी उस सब को कन्वर्सेशन को आप सीरियस नहीं ले रहे, सीरियसली नहीं सुन रहे, तो आप क्या हैं? फ्लिपेंट। तो एंटोनिम्स क्या हो गए? रेवरेंट और रिस्पेक्टफुल एंड सीरियस। अगले वर्ड पे आते हैं, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्लिपेंट की एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है, आप ये पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कुछ और वाइफ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो वाइफ इज़ बीइंग फ्लिपेंट। तो इस सिचुएशन से आपको ये फ्लिपेंट वर्ड याद हो सकता है। हर वर्ड को मैं चाहती हूँ कि हर वर्ड को आप मतलब हर वर्ड की मतलब कि जैसे कोई भी मीनिंग है, हर वर्ड का मीनिंग होता है, तो उसको आप किसी सिचुएशन से इमेजिन करिए, सिचुएशन में रखिए, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। आइदर उसका सेंटेंस बना लीजिए सिचुएशन का, या फिर उसको अपने माइंड में एज अ विजुअल रख लीजिए उसको, ठीक है? तो आपको हर एक वर्ड याद हो जाएगा, और कभी जैसे आपके पेपर में आएगा तो आप आराम से टिक कर पाओगे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑप्शंस नेगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है रिलेंटलेस, मीनिंग कंसिस्टेंट, ठीक है? तो आप किसी भी प्लेयर को, जैसे अब हम मैरी कॉम की बात कर लेते हैं, मैरी कॉम ने 6th गोल्ड जीता है, 6th बेसिकली चैम्पियनशिप उन्होंने जीती है, तो वो क्या है? रिलेंटलेस है मैरी गोल्ड। क्या है वो? कंसिस्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट। तो आपको रिलेंटलेस याद रखना है मैरी कॉम से, ठीक है? तो उसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिटरमाइंड एंड फियर्स। और एंटोनिम्स क्या हैं? लीनियंट एंड टेंडर, मतलब कि काइंड, सॉफ्ट, राइट? और इसका एक जो एंटोनिम वो ये भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट, ये भी इनका एक एंटोनिम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी को उल्टा पुल्टा सुनाना, उसको हर वक्त नीचा दिखाना, तो उसको क्रिटिसाइज करना, और या फिर उसकी इमेज को ख़राब करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डीफेम, डीग्रेड, रिडिक्यूल, मेलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी ने, जैसे एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, तो इसने इनको इनकी क्रिटिसिज्म करनी है, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं? इनकी इमेज को मलाइन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? डिस्पैरेज कर रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज करी जा रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है। जैसे जो रूलिंग पार्टी है,
जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को क्या करती है, डिस्पैरेज, क्रिटिसाइज करती है। तो आप इसको उससे भी याद रख सकते हैं, इस सिचुएशन से। अगला वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुली एक्सट्रेवेजेंट। जैसे कि अब हम दिवाली है, जो दिवाली थी तो उस पे काफ़ी लोगों ने पटाखे बजाए, तो उन्होंने क्या किया, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, क्रैकर्स इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। तो उन्होंने वेस्टफुली एक्सट्रेवेजेंट किया, मतलब उन्होंने प्रोडिगल किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए, मतलब पैसों को पानी में बहा देना या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा करना, लेविशली स्पेंड करना, ठीक है। तो ये होता है प्रोडिगल, मतलब सिनोनिम्स प्रोफिलिगेट एंड स्पेंडथ्रिफ्ट। क्या है प्रोफिलिगेट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वो बहुत ज़्यादा लेविशली स्पेंड करना और लेविश। और इसका मतलब ये भी हो सकता है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिखावा करना, तो ये एक इसका नियर अबाउट सिनोनिम भी हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होंगे, केयरफुल, मॉरल एंड पुअर। केयरफुली स्पेंड करना, और अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते तो आप पुअर में, एक नियर अबाउट एंटोनिम है, एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं कह सकते बट नियर अबाउट एंटोनिम है इसका पुअर। ओबिलिट्रेट मतलब क्या है इसका, टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग, मतलब कि आपके जहन में, दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरह से डिलीट कर देना, उसको एलिमिनेट कर देना। सिनोनिम्स क्या है इसके, एलिमिनेट, एक्सटर्पेट, एनहेलेट, और ये खुद में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है, क्रिएट एंड एस्टैब्लिश। जो अगला वर्ड है हमारा, हमारा वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब है चीयरफुल एंड फ्रेंडली। सिनोनिम्स क्या है इसके, जॉली, जीनियन, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, एफेबल मतलब जो आपसे एफिनिटी रखता हो और फ्रेंडलीनेस रखता हो। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स नेगेटिव वर्ड्स होंगे जो कि हैं मिजरेबल एंड ग्लूमी, क्योंकि जोवियल एक पॉजिटिव वर्ड है तो एंटोनिम्स इसके नेगेटिव वर्ड्स होंगे। आगे चलते हैं, डिसीटफुल मीनिंग मिसलीडिंग अदर्स। अगर आप किसी को मिसलीड करते हैं, उनको गलत राह दिखाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको उनको डिसीट कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसऑनेस्ट, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसऑनेस्ट, मेंडेशियस एंड इनसेंसियर। डिसऑनेस्ट, मेंडेशियस एंड इनसेंसियर। एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑनेस्ट एंड ट्रू। ये मेंडेशियस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद आते हैं अगले वर्ड पर जो कि है फेलेशियस। मीनिंग क्या है फेलेशियस का, बेस्ड ऑन मिस्टेकन बिलीफ। ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड हैं बट ये है कि ये आप किसी को मिसलीड कर रहे हो और ये किसी पे, ये आपकी बिलीफ है जो किसी पे, किसी तथ्य के ऊपर जो गई गलत है उस पे आधारित है। तो ये दो थोड़े बहुत नियर अबाउट वर्ड्स हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है, एरोनस, एरोनियस, फॉल्स एंड फॉल्टी। और इसके एंटोनिम्स क्या है, करेक्ट और ट्रू। तो ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके सारे जो एंटोनिम्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इसलिए है करेक्ट एंड ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब है अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो कि बिल्कुल भी, मतलब जैसे आप कह सकते हो कंजूस कह सकते हो हिंदी में। सिनोनिम्स हैं इसके मीन, निगार्डली, अनजेनरस। कौन से इसके सिनोनिम्स हैं, मीन, निगार्डली, अनजेनरस। इनमें से निगार्डली वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने एक और वर्ड किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जो इसका एंटोनिम होगा, मतलब कि जो स्पेंड ज़्यादा करता होगा। और इसके एंटोनिम्स क्या है, लेविश, प्रोडिगल एंड जेनरस। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है कोलेट। क्या है वर्ड, कोलेट, इसका मतलब है कलेक्ट एंड कंबाइन। और इसके सिनोनिम्स क्या है, गैदर एंड अक्यूमुलेट, मतलब किसी चीज़ को जैसे स्टैम्प्स को कलेक्ट करना या कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको सिनोनिम्स हैं गैदर करना, एक्यूमुलेट करना।
और इसके एंटोनिम क्या है, सेपरेट एंड डिफरेंशिएट. एंटोनिम्स क्या है, सेपरेट एंड डिफरेंशिएट. आगे बढ़ते हैं. इस लेक्चर के लिए इतना ही, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट. थैंक यू सो मच.